जी हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में चार इम्पोर्टेंट मछलियों के बारे में आपको बताने वाला हूं, और ये इम्पोर्टेंट बात है कि उस मछली को तैयार करने में कितना खर्च आता है और कितना प्रॉफिट आप उस मछली को जब पालेंगे तो आप कमा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। देखिए, मछली पालन में आपका सबसे मोटा खर्च होता है मछली के दाने में। तो अगर आप मछली के दाने का खर्च आपने कैलकुलेट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने मछली को बड़ा करने में कितना खर्च आपने लगाया उसका आपको कैलकुलेशन आप उसके द्वारा कर पाते हैं। साथ ही साथ आप अपने प्रॉफिट का, आप अपने मुनाफा का गणित लगा पाते हैं कि यार मैं साल में इतना पैसे मछली पालन में लगाऊंगा तो मुझको कितना प्रॉफिट है वो मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात करता हूं FCR के बारे में। FCR आपको पता होगा, जिसको हम लोग फीड कन्वर्जन रेशो बोलते हैं। इसको अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो अगर किसी मछली को 1 किलो साइज तक करने में हम लोगों ने उसको कितना दाना खिलाया और मछली ने कितना अपना वेट पकड़ा, कितना भार उसने अपने बॉडी में ग्रहण किया, उसी को जब हम लोग गणित के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं तो उसको FCR कहा जाता है। हैं? आपको ये भी पता होगा कि मछली पालन में 70% का जो खर्च आता है वो दाने में ही आता है। तो इसी वजह से दाने का अगर आपने कैलकुलेशन निकाल लिया, इसका मतलब ये है कि आपने मछली के कितना इनपुट, कितना पैसा आपको लगेगा मछली पालन में, उसका आपका कैलकुलेशन आप कर पाते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपके IMC मछली की, देखिए IMC मछली का FCR, मोटा मोटी FCR आता है 1.5, मतलब 1.5 किलो दाना हम लोग लगाते हैं आपके IMC मछली को 1 किलो साइज तक ले जाने के लिए। तो अगर इन दाने का कैलकुलेशन मैं बात करूं तो दोस्तों 1 किलो दाने का खर्च अगर मोटा मोटी लिया जाए तो 50 रुपए आता है। तो अगर 1.5 किलो दाने का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 70 रुपए के करीब आपका दाने का खर्च है वो आ जाता है। उसमें अगर हम लोग 5 रुपए मेडिसिन कॉस्ट भी जोड़ दें तो 75 रुपए, है ना। तो 75 रुपए में आपका IMC मछली है दोस्तों वो तैयार हो जाता है। तो अगर इसको हम लोग मार्केट में लगभग 140 रुपए तक, मिनिमम मैंने 140 रुपए लिया है, उसको सेल करते हैं दोस्तों तो आपको 65 रुपए के करीब प्रॉफिट हो जाता है 1 किलो मछली के पीछे, है ना। तो 1 किलो मछली के पीछे हम लोगों ने 65 रुपए है वो कमा लिया। तो ये आपका आपके IMC मछली का कैलकुलेशन हो गया कि अगर आप IMC मछली पालते हैं तो आपको 1 किलो IMC मछली को बड़ा करने में 1.5 किलो दाना लगेगा, और उसको अगर मार्केट में आप 140 रुपए तक सेल करते हैं तो आपको लगभग मिनिमम 60 रुपए तक का प्रॉफिट है वो आपको हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात बात करें अगर पंगासस मछली की, ठीक है, पंगासस मछली को दोस्तों इसका अगर FCR की बात करें तो लगभग 1.3 से 1.5 के बीच इसका FCR आता है, और मतलब 1 किलो साइज तक पंगासस को ले जाने में लगभग 1.5 किलो दाने का आपको खर्च होता है। तो अगर इसके भी दाने का खर्च का कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग 80 रुपए तक आपके टोटल पंगासस मछली के दाने में और मेडिसिन मिलाकर के लगभग आपका 80 रुपए तक खर्च आ जाता है। तो अगर इसका मार्केट में हम लोग प्राइस पता करें पंगासस मछली का तो लगभग मिनिमम, मैं मिनिमम जोड़ रहा हूँ, 110 रुपए किले में आपकी पंगासस मछली है वो बिक जाती है। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 1 किलो पंगासस के पीछे हम लोगों को 30 रुपए का प्रॉफिट होता है। ये मैंने मिनिमम लिया है, बाकी आपके साइड कोई भी ज्यादा भी हो सकता है आपका मार्केट प्राइस पंगासस का, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन FCR लगभग 80 रुपए के करीब है वो पंगासस का होता है। तो पंगासस के पीछे हम लोगों ने पर किलो 30 रुपए की कमाई है वो कर पाते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें हमारे मांगुर मछली की, तो मांगुर मछली का दोस्तों FCR 1.5 से 1.8 तक आ जाता है, है ना, क्योंकि आपकी जो मांगुर मछली है दोस्तों वो हाई प्रोटीन वाली आहार उसको जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ इसका FCR भी थोड़ा सा ज्यादा आता है। तो मैं अगर बात करूं इसका FCR, अगर मैं मोटा मोटी 1.8 भी लेता हूं, मतलब 1 किलो मांगुर मछली को तैयार करने में अगर 1800 ग्राम तक फीड की जरूरत पड़ जाती है तो इसका अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे दोस्तों तो लगभग आपकी मांगुर मछली में 105 रुपए उसके फीड में खर्च होता है और 5 रुपए उसके मेडिसिन में खर्च होता है। तो इस प्रकार से अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपके 1 किलो मांगुर मछली को तैयार करने में लगभग 110 रुपए का खर्च आता है। और वहीं अगर इसका, अगर हम लोग बेचते हैं मांगुर मछली को तैयार करके, तो इसका मार्केट प्राइस है दोस्तों आपको
सभी जगह मेरे हिसाब से मांगूर का प्राइस आपको 200 रुपए किलो तक तो मिल ही जाता है, देसी मांगूर की अगर बात करें तो। तो अगर हम लोग इसका प्रॉफिट की बात करें, मुनाफे की बात करें, तो प्रति किलो आपको लगभग 80 से 90 रुपए तक प्रॉफिट है वो मिल जाता है अगर आप देसी मांगूर का पालन करते हैं तब। तो इस कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सबसे लास्ट में आता है आपका तिलापिया मछली का कैलकुलेशन। इसका एफसीआर दोस्तों 1.5 से 1.6 के बीच आता है, मतलब एक किलो तिलापिया मछली को तैयार करने में लगभग आपको 1.6 ग्राम मतलब आपके 1600 ग्राम फिट की जरूरत पड़ती है। और अगर इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 80 रुपए आपका फिड में खर्च आ जाता है और 5 रुपए मेडिसिनल कॉस्ट, तो टोटल 85 रुपए आपका पंगासस मछली को तैयार करने में आता है। और अगर इसको हम लोग बेचते हैं आपकी तिलापिया मछली को, तो हमारे साइड तिलापिया मछली का प्राइस दोस्तों 110 रुपए तक उसका मिल जाता है। तो इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो लगभग 25 रुपए प्रॉफिट है वो आप प्रति किलो तिलापिया मछली से कमाते हो। तो किसान भाइयों, इन सभी चारों मछलियों को मैंने एफसीआर के बेस पर कैलकुलेट किया है कि कितना दाना आप मछली को खिलाते हैं, उसको कितने मार्केट प्राइस में बेचते हैं, फिर उसका मैंने उसको माइनस कर दिया है कितना आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आया है और कितना आपने मछली को किस प्राइस में सेल किया है, उन दोनों को मैंने माइनस करके आपको प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करके बताया है। तो यहाँ पर अगर तिलापिया मछली की बात करें तो 25 रुपए प्रति किलो में आपको प्रॉफिट होता है, मांगूर मछली में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है 90 रुपए तक आपको प्रॉफिट हो जाता है, पंगासस में लगभग 30 से 35 रुपए आपको प्रॉफिट होता है और आईएमसी मछली में आपको 60 रुपए तक प्रॉफिट है वो हो जाता है। तो किसान भाइयों, मैंने सभी को आपको अच्छे से समझा दिया है, बाकी आपके साइड क्या प्राइस है इन मछलियों का उसको भी आप नीचे कमेंट करिए ताकि मैं आपको एक्यूरेट आपके साइड जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको मैं आपको प्रॉफिट है वो समझा पाऊं बता पाऊं। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर किसी मछली का आप इसी प्रकार से कैलकुलेशन जानना चाहते हैं उसको भी नीचे कमेंट करिए, क्योंकि देखिए जब तक आप मछली के प्रोडक्शन कॉस्ट को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप अपने मोटा मोटी प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, मछली पालन में जितना अच्छे से आप मछलियों का मैनेजमेंट करते हो उतने ही अच्छे से आपको मछलियों का थोड़ा सा गुड़ा भाग भी आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग प्रॉफिट के लिए मछली पालन करते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं कर पाते तो आपका जो दिमाग में कितना खर्च है उसका एस्टिमेशन आप उसका कुछ आप गुड़ा भाग नहीं कर पाते, जिससे आपको बाद में मछली पालन में दिक्कत आ सकती है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन आपको इसको जरूर डिटेल से देखिए, थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए इसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।